जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से बड़ा इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मशरूम खाने के चुनिंदा फायदों के विषय में। मशरूम स्वाद में जितना बेहतरीन होता है उतना ही पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। मशरूम हम जितने चाव से खाते हैं उतने ही बेहतर ढंग से मशरूम शरीर में जाकर हमें पोषण भी देता है। हमारे रसोई के लिए ही ना सिर्फ बल्कि हमारे शरीर के लिए भी कई तरह से फायदेमंद माना जाता है। मशरूम खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है क्योंकि यह आपकी सेहत का ख्याल रखने में बेहतर ढंग से कार्य करता है। मशरूम में फाइबर की बेहतर मात्रा पाई जाती है और यह सेलेनियम, पोटेशियम, विटामिन डी, प्रोटीन इत्यादि से भरपूर होता है। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण यह शरीर को मजबूत बनाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही मशरूम को कम कैलोरी वाला सब्जी के रूप में देखा जाता है। आइए साथियों विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं मशरूम खाने से हमें क्या क्या फायदा होता है, किस किस बीमारियों से लड़ने में मशरूम कारगर रूप से कार्य करता है। हमारे दिल के लिए बेहतर माना जाता है मशरूम। यदि आपको हृदय संबंधी कोई समस्या है तो आपको नियमित रूप से अपने डाइट में मशरूम का सेवन करना चाहिए क्योंकि मशरूम में मौजूद फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसमें मौजूद बीट ग्लूकेन नाम का तत्व कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण में करता है। इसलिए अगर आप मशरूम का सेवन करते हैं तो आप अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। मशरूम खाने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। इम्यूनिटी मजबूत होने से आप विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बच सकते हैं। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे अहम रूप से कार्य करता है आपके शरीर में मौजूद इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आपके शरीर में आने वाले बीमारियों से लड़ता है और आपको पुनः स्वस्थ बनाता है। तो अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको रोजाना मशरूम का सेवन करना चाहिए। मशरूम में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स इसे एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल बनाते हैं, जो मौसमी संक्रमण से भी बचाते हैं। मशरूम का सेवन करने से खून की कमी की समस्या दूर होती है। मशरूम में आयरन और कॉपर दोनों खनिज पाए जाते हैं। कॉपर आयरन के अवशोषण में सहायक सिद्ध होता है, अतः मशरूम खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है। साथ ही आप एनीमिया जैसे खतरनाक बीमारी से भी बचे रहते हैं। तो अगर आपको समस्या है खून की, अगर आप जूझ रहे हैं एनीमिया से, तो आपको मशरूम का सेवन अवश्य करना चाहिए। साथ ही हड्डियों के लिए भी बेहतर माना जाता है मशरूम। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए मशरूम का सेवन करना अच्छा माना जाता है। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए मशरूम का सेवन अति आवश्यक माना गया है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मशरूम में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में बेहतर माने जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऐसे में मशरूम का सेवन आपको इन समस्याओं से बचाए रखेगा। अगली समस्या है डायबिटीज यानी शुगर की समस्या। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को शुगर की समस्या है तो उन्हें नियमित रूप से मशरूम का सेवन करना चाहिए। मशरूम को डायबिटीज मरीज के लिए अच्छा माना गया है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ शुगर लेवल को कंट्रोल करने के गुण पाए गए हैं। डायबिटीज के मरीज को नियमित रूप से अपनी डाइट में मशरूम का सेवन करना चाहिए। मशरूम का सेवन हम सब्जी के रूप में कर सकते हैं। मशरूम की सब्जी काफी स्वादिष्ट होती है, जो हमारे खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। मशरूम खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है, तो हमें ऐसे ही भोजन का चुनाव करना चाहिए जो पोषक तत्वों से भी भरपूर हो, साथ ही हमें बीमारियों से बचाए रखे। तो ऐसे ही फूड की श्रेणी में शामिल होता है मशरूम। आप भी नियमित रूप से मशरूम का सेवन करना प्रारंभ कर दें और इन तमाम प्रकार के बीमारियों से बचे रहें। ध्यान रहे कि ताजे मशरूम का सेवन करें। हमारा मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी प्रदान करना है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर अपने डॉक्टर या फूड विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लें। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए
दिल की गहराई से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।